हेलो स्टूडेंट्स, एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो टॉपिक है पैम मैट्रिसेस। पैम मैट्रिसेस बेसिकली आपकी ब्लास्ट टूल यूज़ करता है अलाइनमेंट करने के लिए। तो आज हम समझेंगे पैम मैट्रिसेस हम बनाते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैम मैट्रिसेस से पहले समझ लेते हैं स्कोरिंग मैट्रिसेस क्या होती है। स्कोरिंग मैट्रिसेस आपकी मैट्रिक्स की तरह होती है, जो आपने मैथ्स में पढ़ी है, जो आपकी मैट्रिक्स 4x4 की मैट्रिक्स होती थी। ये जो मैट्रिक्स मैंने शो करी है, ऐसी ही मैट्रिसेस होती हैं। लेकिन इनका पर्पज़ क्या है? इनका पर्पज़ ये है कि जो पैम मैट्रिक्स है या कोई और मैट्रिसेस है, ये कोई भी स्कोरिंग मैट्रिसेस है, उनका पर्पज़ क्या है वो बताती हैं आपको डिग्री ऑफ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। यानी कि दो एक प्रोटीन में जो दो अमाइनो एसिड्स हैं, इवोल्यूशनरी अगर म्यूटेशन हुई है तो वो अमाइनो एसिड आपस में उनका क्या बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है आपको एक तो ये बताएंगे। उनकी बायोलॉजिकल रिलेशनशिप से मतलब क्या है कि उनकी आपस में म्यूटेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। दूसरा और क्या बताती हैं? तो प्रोबेबिलिटी दैट टू अमाइनो एसिड अकर्स इन होमोलोगस पोजिशन इन सीक्वेंस दैट शेयर अ कॉमन एनसेस्टर। अब वो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी भी बताती हैं कि जो दो अमाइनो एसिड हैं वो किसी होमोलोगस पोजीशन पे ही आएंगे या होमोलोगस पोजीशन पे म्यूटेट करेंगे या होमोलोगस पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे किसी ऐसे सीक्वेंस में जो एक जिनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। ठीक है, ये तो हो गए स्कोरिंग मैट्रिसेस। अब आगे चलते हैं, समझते हैं स्कोरिंग मैट्रिसेस की नीड कहाँ पर आई है। आप उसको समझने के लिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, एक सीक्वेंस वन ये है, एक सीक्वेंस टू ये है, और अगर हम इसमें मिसमैच के लिए जीरो दें और मैच के लिए वन दें तो दो अलाइनमेंट जनरेट करते हैं, अलाइनमेंट वन और अलाइनमेंट टू। अलाइनमेंट वन का स्कोर आता है 5 और अलाइनमेंट टू का स्कोर आता है 6। अब इसमें से ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको अलाइनमेंट बेस्ट अलाइनमेंट कौन सा है? अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं उसमें ये है कि जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसका अलाइनमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि उसमें गैप्स मिनिमम आने चाहिए। तो बेस्ट अलाइनमेंट कौन सा होगा? द बेस्ट अलाइनमेंट इज द वन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द मैचेस अमंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जो अमाइनो एसिड एक दूसरे को म्यूटेट कर रहे हैं या जो अमाइनो एसिड जब हम अलाइनमेंट करते हैं एक अमाइनो एसिड की जगह जो मिसमैच आ रहा है उसमें एक ध्यान रखने वाली ये बात है कि दोनों अमाइनो एसिड वो सेम कैटेगरी के हैं या नहीं है। सेम कैटेगरी मतलब अगर एम्फीफिलिक नेचर के हैं तो एम्फीफिलिक होने चाहिए, अगर चार्ज्ड हैं तो चार्ज होना है या अनचार्ज्ड है। तो इसको समझने के लिए एक चीज़ समझते हैं कि डिफरेंट अमाइनो एसिड पार्शियली मैचेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हमें पता है। फॉर विच द स्कोरिंग स्कीम ऑफ वन फॉर अ मैच एंड जीरो फॉर अ मिसमैच इज नॉट इनफ, क्योंकि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो सिर्फ हम मैच को वन दे दें और मिसमैच को जीरो दे दें इससे बात सॉल्व नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमने मैट्रिसेस बनाई है। इसको और अच्छे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तो उसके लिए मैच और मिसमैच का स्कोरिंग सफिशिएंट क्यों नहीं है। उसको इस तरह समझिए, एक आपका अमाइनो एसिड है मिथियोनिन और एक है आपका ल्यूसिन। अब मिथियोनिन की जगह इवोल्यूशन के कोर्स में मिथियोनिन की जगह आपकी म्यूटेशन हो जाती है ल्यूसिन की। ठीक है, तो अब हुआ क्या? बिकॉज मिथियोनिन टू ल्यूसिन सब्स्टिट्यूशन डज नॉट ऑल्टर द हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन बट मिथिनिन टू आर्जिनिन ऑल्टर्स द हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। वाई? बिकॉज आर्जिनिन इज चार्ज। तो इससे ये कहना चाह रहे हैं मतलब कि अगर मिथिनिन की जगह ल्यूसिन आएगा तो उससे आपका ओवरऑल प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना अगर ल्यूसिन की जगह आर्जिनिन आ जाए। क्यों? क्योंकि मिथियोनिन और ल्यूसिन की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और आर्जिनिन की और ल्यूसिन की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। आर्जिनिन एक चार्ज अमाइनो एसिड है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज अलग लेकर आएगा। तो अगर मिथियोनिन की जगह पर अगर आर्जिनिन आता है म्यूटेशन करके तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर या फंक्शन बदलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और इवोल्यूशन के कोर्स में जब इवोल्यूशन हो रहा है तो मिथियोनिन टू ल्यूसिन की होने की म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी क्योंकि वो एकदम से सडन चेंज प्रोटीन के स्ट्रक्चर में या फंक्शन में नहीं लाएगा। इसलिए हमारा मैच और मिसमैच की जो स्कोरिंग क्राइटेरिया है वो यहाँ पर थोड़ा सा हिल जाता है। इसलिए हमें इस ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो अमाइनो एसिड म्यूटेट होकर आ रहा है वो सेम कैटेगरी का है या नहीं है। अब आपकी जो अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स है
वो आपकी कुछ ऐसी दिखती है। इसमें हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं, आपने वाई एक्सिस पे भी 20 अमीनो एसिड लेबल कर दिए और एक्स एक्सिस पे भी लेबल कर दिए। जनरली होता क्या है कि यहाँ पर आपके म्यूटेशन वाले आते हैं और यहाँ पे आपके ओरिजिनल वाले आते हैं, तो यानी कि जो ओरिजिनल अमीनो एसिड है और उस ये वाली जो एक्स वाई एक्सिस है इस पे आपके म्यूटेशन होने के बाद जो अमीनो एसिड आया है। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि इस वाले नंबर पे सी की जगह एस आने की जो म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी है वो जीरो है, सी की जगह टी आने की प्रोबेबिलिटी वो -2 है। तो कुल मिला के आपकी जो अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह की दिखती है। ये बनती कैसे है ये इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, इस वीडियो में ये जो वैल्यूज हैं हम लोग भरते कैसे हैं। तो आगे चलते हैं, अब कुछ बेसिक समझ लेते हैं अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स के। पहले दो तरह की मैट्रिसेस हैं अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, एक है पैम एक है ब्लॉसम मैट्रिक्स। पैम की फुल फॉर्म है आपकी परसेंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन, ब्लॉसम की फुल फॉर्म है आपकी ब्लॉक अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो है ईच मैट्रिक्स पोजीशन इज फिल्ड विद अ स्कोर, जो भी आपकी जो वैल्यूज अभी मैंने पिछले स्लाइड पे दिखाई थी वो वैल्यू कुछ वैल्यूज हैं तो वो एक स्कोर भरा जाएगा। स्कोर रिफ्लेक्ट्स हाउ ऑफन वन अमीनो एसिड वुड हैव बीन पेयर्ड विद द अदर इन एन अलाइनमेंट ऑफ रिलेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस। और क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू ए। मतलब क्या है कि अगर अमीनो एसिड दो अमीनो एसिड हैं ए और बी, तो ए की बी में म्यूटेट होने की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू बी की ए में म्यूटेट होने की प्रोबेबिलिटी। और क्या है, लाइकलीहुड ऑफ रिप्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द टू अमीनो एसिड एंड देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कुछ इसी एजम्पशंस हैं कि जो आपकी पैम मैट्रिसेस हैं या जो कोई भी मैट्रिस है वो कुछ एजम्पशन लेके चलती है कि उन एजम्पशन के बेसिस पे हमने वो मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। तो पहली अमीनो एसिड क्या है कि ईच चेंज इन द करंट अमीनो एसिड एट अ पर्टिकुलर साइट इज अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस म्यूटेशनल इवेंट एट दैट साइट। मतलब क्या है कि अगर किसी एक पोजिशन पे, मान लीजिए ये आपका आपका प्रोटीन सीक्वेंस है, तो इस पोजीशन पे जो म्यूटेशन हो रही है ये म्यूटेशन इज इंडिपेंडेंट, किससे इंडिपेंडेंट है कि यहां पर कोई पहले से म्यूटेशन हुई है या नहीं है। मान लीजिए यहां पर पहले ए था, तो अब हो सकता है वो म्यूटेशन ए जो है म्यूटेशन होके आया, हो सकता है टी से म्यूटेशन होके आपका ए आया है। ये समझ लीजिए कि ये आपका अमीनो एसिड ए है, और हो सकता है कि ये जो अमीनो एसिड ए है ये टी के थ्रू आया है, टी से म्यूटेट होकर ई आया है। लेकिन अब जब एक ही जगह कोई म्यूटेशन हो रही है, एक ही जगह म्यूटेशन आपकी समझ लीजिए जी की हो जा रही है, तो ये इस बात से इंडिपेंडेंट है कि यहां पर पहले टी था या ए था। ठीक है, उसके बाद क्या है, अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशंस आर व्यूड एज मार्कोव मॉडल। और क्या है, अ सीरीज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट इन अ सिस्टम सच दैट अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द स्टेट। ये भी वही पॉइंट है कि आपका अमीनो एसिड अगर ए आया है या न्यूक्लियोटाइड ए है, तो उसकी जगह जो म्यूटेशन हो रही है वो म्यूटेशन उसके पहली वाली म्यूटेशन से इंडिपेंडेंट है। और क्या है, अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व्ड ओवर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू लॉन्गर डिस्टेंसेज। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शॉर्ट पीरियड में आपने कोई सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, तो उसको हम एक्स्ट्रा उसके रिजल्ट्स को हम एक्स्ट्रापोलेट करके हम लॉन्गर ड्यूरेशन पे उसके रिजल्ट्स का आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी म्यूटेशन आएगी। अब क्योंकि हम पैम की बात कर रहे हैं, तो पैम वन एक टर्म है जो समझ लेनी चाहिए। पैम वन है क्या, पैम वन इज अ यूनिट ऑफ टाइम, इज अ टाइम पीरियड ओवर विच 1% ऑफ अमीनो एसिड इन अ सीक्वेंस आर एक्सपेक्टेड टू अंडरगो एक्सेप्टेड म्यूटेशन सम ऑफ विच मे अकर इन द सेम पोजिशन। मतलब समझ लीजिए कि टोटल अमीनो एसिड टोटल सीक्वेंस में से आपके अगर जब आपके 1% अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे, म्यूटेशन हो जाएगी, तो जितना टाइम उसको लगेगा उस टाइम को हम पैम वन बोल रहे हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये स्टेप्स आपके शुरू होते हैं कि आपकी पैम मैट्रिसेस के क्रिएट करने के स्टेप्स क्या है। पैम मैट्रिस को क्रिएट करने का सबसे पहला स्टेप है कि आपको सीक्वेंसेस होने चाहिए आपके पास। अब आप यहाँ हम लेकर चल रहे हैं 7 सीक्वेंसेस, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीक्वेंसेस लेकर चल रहे हैं। इसमें से आपको सबसे पहले स्टेप में आपको एक मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जनरेट करना है। उसके बाद मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जनरेट करने के बाद आपको एक फाइलोजेनेटेड ट्री बनाना है। फाइलोजेनेटेड ट्री बनाने के लिए मैंने वीडियो पहले डाली हुई है, या तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं, या क्योंकि
ये म्यूटेशंस बहुत सिंपल हैं, एक टाइम पे एक या दो ही म्यूटेशन हो रही हैं और सीक्वेंस की लेंथ छोटी है, तो हम उसको मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं। मैन्युअली कैसे क्रिएट करेंगे, हमने ये मान के चल रहे हैं, या इस इन सीक्वेंसेस में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ अगर ये वाला जो पहला सीक्वेंस है ये आपका बेस सीक्वेंस मान के चलें, बाकी सारे म्यूटेशंस जो है इसी सीक्वेंस में हो रहे हैं। जैसे ए की जगह जी आ गया, फिर आई की जगह एल आ गया, फिर इस ए की जगह जी आ गया, फिर इस ए की जगह जी आ गया, तो बेसिकली ये आपका एक पेरेंट सीक्वेंस है जिसमें सारी म्यूटेशन हो रही है। तो इसके बेसिस पे हम एक फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं। इसको हमने पेरेंट सीक्वेंस मान लिया, पहली म्यूटेशन है ए टू जी, तो ये पहला म्यूटेशन का सीक्वेंस आ गया। फिर इस सीक्वेंस में ए टू जी दोबारा हो रहा है, एक सीक्वेंस ये आ गया, एक सीक्वेंस फिर ए टू एल की म्यूटेशन में ये आ गया, फिर ऐसे ही इस वाले सीक्वेंस में आई टू एल हुआ है तो ये म्यूटेशन के बाद सीक्वेंस आ गया, फिर इसमें सी टू एस की म्यूटेशन आई है ये सीक्वेंस आ गया, फिर यहाँ पे जी टू ए की म्यूटेशन आई है तो आपका ये वाला सीक्वेंस आ गया। तो इस तरह से आपका एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनकर तैयार हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड ए इसमें मान के चल रहे हैं, यहाँ पर ए मान लीजिए, या इस सीक्वेंस में हम ए की जगह एलेनिन लेके चल रहे हैं, तो हमें पी ए निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें एफ ए बी निकालना है। एफ ए बी क्या है, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि दो ए और बी दो अमाइनो एसिड है तो उनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी है आपस में म्यूटेट करने की या सब्सटीट्यूशन करने की, वो हमें निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, वो इस एग्जांपल से निकालेंगे, मैं समझाता हूँ आपको। उसके बाद स्टेप फाइव में क्या होगा, कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स अमाइनो एसिड ए इज सब्सटीट्यूटेड बाय एनी अदर अमाइनो एसिड, दैट इज इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी द सम ऑफ एफ ए बी इज द नंबर ऑफ टाइम्स ए सब्सटीट्यूट। तो एफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ए पहले तो एफ ए बी निकालते हैं। एफ ए बी कैसे निकलेगी, ये इस एग्जाम्पल से निकालते हैं। एफ ए बी ये दो अमाइनो एसिड्स हैं ए और जी, तो हमने क्या मान के चले हैं, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि एफ म्यूटेशन ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू म्यूटेशन ऑफ बी टू ए, तो एफ ए जी और एफ जी ए हम बराबर मान के चल रहे हैं। तो एफ ए जी हम यहाँ से कंसिडर करते हैं कितनी बार हो रहा है, ए टू जी म्यूटेशन एक ये हुई है, एक ए टू जी म्यूटेशन ये हुई है और एक जी टू ए म्यूटेशन ये हुई है, तो टोटल तीन बार हुई है। तो आपकी एफ ए की वैल्यू आ गई, एफ ए बी की वैल्यू आ गई है। अब एफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका सम करना है, समीशन ऑफ एफ ए बी व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या होगा कि जब ए और जी सिमिलर नहीं है, यानी कि ये दो अलग अलग हैं, तो यहां से आपका आ गया एफ ए। आगे चलते हैं, अब अगला स्टेप में क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ म्यूटेशन अकरिंग इन द अलाइनमेंट, द टोटल नंबर ऑफ म्यूटेशन अकरिंग इन द अलाइनमेंट इज द सम ऑफ एफ ए। अब हमें टोटल नंबर ऑफ म्यूटेशन निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ म्यूटेशन क्या होंगी, एफ ए बी तो क्या थी हमारी दो अमाइनो एसिड के बीच की म्यूटेशन, एफ ए क्या थी उन दोनों उन सब का समीशन। अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ म्यूटेशन निकालनी है उस सीक्वेंस में, तो हम एफ ए का समीशन कर रहे हैं, तो एफ ए का समीशन हमारे पास एफ आ गया है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें रिलेटिव म्यूटेबिलिटी का। रिलेटिव म्यूटेबिलिटी क्या है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन अमाइनो एसिड दैट अ गिवन अमाइनो एसिड विल चेंज इन द एवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दो अमाइनो एसिड की चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है ये ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी पीरियड। तो अब हमारे पास एफ आ गया है, अब हमें हमें निकालना है रिलेटिव म्यूटेबिलिटी। रिलेटिव म्यूटेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है आपका एम ए इज इक्वल टू एफ ए डिवाइडेड बाई 100 इंटू एफ इंटू पी ए, जिसमें आपके पास एफ ए है, एफ है और पी ए है। तो अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे निकाल रहे हैं। द नंबर ऑफ म्यूटेशन विच एलेनिन इज सब्सटीट्यूटेड इज इक्वल टू 4, कैसे, ये एक म्यूटेशन एलेनिन जब सब्सटीट्यूट हुआ, वो देखिए इस फाइलोजेनेटिक ट्री से, एक ये वाली वैल्यू है, 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 तो चार बार आपकी एलेनिन को सब्सटीट्यूट करा गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ म्यूटेशन 6 इंटू 2 12 है। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अमाइनो एसिड एलेनिन, तो एलेनिन की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स एलेनिन इज प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेसिड्यू। तो एलेनिन को अगर आप देखेंगे इन सारे 7 सीक्वेंसेस में आपका 10 बार प्रेजेंट है, तो इसलिए 10/63 और टोटल रेसिड्यूज आपके 63 है, तो 10/63 आपकी वैल्यू आ गई 0.159। अब इस इन सब निकालने के बाद हमारे पास आ गई रिलेटिव म्यूटेबिलिटी। रिलेटिव म्यूटेबिलिटी की वैल्यू हमने फॉर्मूले में रख दी, तो 4/100 × 12 × 0.15 आपकी रिलेटिव म्यूटेबिलिटी की वैल्यू आ गई है 0.0209। ठीक है, अब आगे चलते हैं, रिलेटिव म्यूटेबिलिटी को आगे कहाँ यूज कर रहा है।
नेक्स्ट स्टेप में आ गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिमेनिंग अनचेंज, ये एम 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 ए ए निकालनी है, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस एम ए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम निकालना है एम ए बी, उसका फॉर्मूला है एफ ए बी इंटू एम ए अपॉन एफ ए। अब इस फॉर्मूले में आप देखेंगे हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। अब स्टेप 10 में क्या करना है, म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी फॉर ईच पेयर ऑफ अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे हम म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जो एक्चुअल वैल्यू मैट्रिक्स में भरी जाती है। मैट्रिक्स में बेसिकली क्या भरते हैं, ये अगर आपकी मैट्रिक्स है तो इस ये जो वैल्यू है इस बॉक्स में, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ही है कि ये वाला अमाइनो एसिड इस वाले अमाइनो एसिड में म्यूटेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो रिलेटिव म्यूटेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल अमाइनो एसिड पेयर इन विच एलेनिन इज सब्स्टिट्यूटेड 4 है हमारे पास। तो म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एलेनिन टू ग्लाइसिन अगर हमें निकालना है तो एम ए जी निकालने का फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे, एफ ए बी अपॉन एफ ए इंटू एम ए। इस फॉर्मूले से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0156। अब द फाइनल स्कोर इन अ पैम मैट्रिसेस आर एक्सप्रेस्ड एज लॉगरिथम ऑफ ओड स्कोर, मतलब कि ये जो वैल्यू आई है 0.0156, अब इसको हम लोग लेके लॉग वैल्यूज हम उस टेबल में पुट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंपेयरिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम अकरेंस। उसके लिए गिव्स ऑड्स रेशियो आता है यहाँ से, उसका मतलब है एम ए बी अपॉन पी बी। अब जो स्कोरिंग मैट्रिक्स एस इज कैलकुलेटेड बाई एस ए बी इज इक्वल टू 10 log 10 एम ए बी अपॉन पी बी। दिस इक्वेशन अलाउ अस टू कैलकुलेट अ पैम वन मैट्रिक्स। तो ये जो स्कोरिंग मैट्रिक्स है, ये जो वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है जो हम मैट्रिक्स में पुट करेंगे। अब जब हम इस मैट्रिक्स से पुट करेंगे तो सारी वैल्यूज हमारे पास पैम वन मैट्रिक्स में जाएंगी। अब हमारे पास पैम वन का मैंने मतलब बता दिया है कि एक पैम वन मतलब क्या है, कि वो टाइम पीरियड जिसमें आपके 1% अमाइनो एसिड उस सीक्वेंस के म्यूटेट कर जाए या सब्स्टिट्यूट हो जाए। आगे क्या है, अब इसमें मैट्रिसेस की वैल्यू निकालने का फाइनल फॉर्मूला आ गया है। अब उसमें बस हमें वैल्यू पुट करनी है। एम ए बी हमेशा हर बार अलग अलग होगा, जो भी आपका सीक्वेंसेस में होगा। ए ए बी डिनोट करता है यहाँ पे टू डिफरेंट अमाइनो एसिड, पी बी डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड बी। तो अब आगे क्या है, द नंबर अबाउट द नंबर आफ्टर पैम इज द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन पर 100 रेसिड्यूज। लाइक पैम 40 का मतलब है 40 सब्स्टिट्यूशन पर 100 रेसिड्यू, पैम 250 का मतलब है 250 सब्स्टिट्यूशन पर 100 रेजिड्यूज। मतलब भी जो मैंने पहले बताया उसका मतलब भी वही है, इसको बस डिफरेंट वर्ड्स में लिखा गया है। अगर मैं पुराने वर्ड्स में बोलूँ तो पैम 40 का मतलब है आपकी 40% ऑफ द अमाइनो एसिड्स हैज बीन चेंज्ड इन पर्टिकुलर टाइम, वो आपका पैम 40 की वैल्यू है। पैम 250 की वैल्यू है कि आपकी 250% अमाइनो एसिड हैज बीन चेंज्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो ऑल मैट्रिसेस आर कैलकुलेटेड बाय मैट्रिसेस ऑफ पैम मैट्रिक्स 6। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपको पैम 40 बनानी है तो आप पैम 40 की वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया है। वो कैलकुलेट करने के लिए आपको पैम 1 निकालना पड़ेगा और उसके बाद पैम 1 की पैम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इससे क्या आएगा, पैम 2 आएगा, फिर पैम 2 की पैम 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर इससे क्या आएगा, पैम 3 आएगा। तो ऐसे करके आप 250 तक 100,000 तक जितने भी आप जाना चाहें वहाँ तक जाप जा सकते हैं। तो हमेशा लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बाद ही उसकी वैल्यू आएगी। तो ये आपका एक पैम मैट्रिसेस का डिनोशन है या दिखती कैसी है बनने के बाद। अगर आप यहाँ ये देखें कि ये आपकी इस एक्सिस पे हमने ओरिजिनल अमाइनो एसिड्स लिए हैं और इस एक्सिस पे हमने रिप्लेसमेंट अमाइनो एसिड्स लिए हैं। तो अभी जो नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, इनका मतलब क्या है, जो मैंने पहले बताया था कि ये आप प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये इस वाले इसकी मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या है कि आर्सिनिन की एलेनिन में म्यूटेट होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 9 है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एन एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स एम आई जे गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट द अमाइनो एसिड इन कॉलम जे विल बी रिप्लेस्ड बाय द अमाइनो एसिड इन रो आई आफ्टर अ गिवन इवोल्यूशनरी इंटरवल। इन दिस केस 1 PAM, thus there is a 0.56% probability that ASP will be replaced by glutamate. Case 1 अगर हम बात करके चले, केस 1 में इसमें 0.56 आप इसमें वैल्यू देखिए आर्सिनिन की एस्पार्टेट की ग्लूटामेट में। एस्पार्टेट आप यहाँ पे देखिए ASP आपका ये है और उसका ग्लूटामेट में कन्वर्ट होने की
ये है वैल्यू, तो 56 अगर यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 0.56% है आपकी प्रोबेबिलिटी कि आपका एएसपी ग्लूटामेट में चेंज हो जाएगा। तो पैम मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट इतना ही है आपको, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको ब्लॉसम मैट्रिसेस की डिफिनेशन दूंगा या ब्लॉसम मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।